दोस्तों आईपीएल 2024 के पहले ही महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की बेहतरीन जीत के बाद पॉइंट टेबल में चेन्नई ने ला दिया है बड़ा भूचाल। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम पहले ही महामुकाबले में खा चुकी है तगड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल सही जानकारी मिल रही है। तो हम आपको इस वीडियो में पॉइंट टेबल का पूरा हाल बताएंगे कि किस तरीके से पहले महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार जीत के साथ मजबूत स्थिति में पहुंच गई है, तो वहीं पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को किस तरीके से एक झटका लग गया है और मौजूदा पॉइंट टेबल का हाल और भविष्य का क्या समीकरण बन सकता है, सब कुछ आपको ब्रांड वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आईपीएल 2024 में आपकी टीम पॉइंट टेबल में टॉप 4 में जगह पक्की करे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप हमको अपनी फेवरेट 4 टीमों के नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम हमारी पॉइंट टेबल की वीडियो, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं पहला महामुकाबला किस तरीके से खेला गया और किस तरीके से चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में शानदार शुभारंभ कार्यक्रम हुआ। आपको बता दें 22 मार्च 2024 को शानदार शुक्रवार के दिन शाम को बेहतरीन ओपनिंग सेरेमनी हुई, जिसमें कि शानदार बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। उसके बाद रात को 7:30 को चेन्नई और बेंगलोर के बीच में आईपीएल का पहला महामुकाबला शुरू हुआ। इसके लिए टॉस चेन्नई के चेपॉक मैदान में अफाफ डुप्लेसी ने जीता और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना। जहां पर इस महामुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत बेहतरीन रही, जहां कप्तान फाफ डुप्लेसी के साथ विराट कोहली बतौर ओपनर उतरे थे। इस महामुकाबले में फाफ डुप्लेसी ने शुरुआत में 23 गेंदों में 8 चौके लगाकर 35 रन की तूफानी पारी खेलकर आगे बढ़ रहे थे। जब दोनों के बीच में 41 रन की साझेदारी हो गई थी तो फिर 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मुस्तफिजुर रहमान को लगाया जाता है। रचिन रविंद्र के हाथों फाफ डुप्लेसी को बाउंड्री पर कैच आउट करा दिया जाता है और 41 पर बेंगलोर पहला झटका खाती है और कप्तान 35 रन बनाकर चले जाते हैं। इसके बाद रजत पाटीदार आते थे, इस ओवर की आखिरी गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान धोनी के हाथों उनको भी कैच आउट कराकर बिना खातों कोहली पवेलियन वापस भेज देते हैं। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने आते हैं तो उनको भी 6वें ओवर में शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करके दीपक चहर के द्वारा 3 गेंद पर धोनी के हाथों कैच आउट करवाकर बिना कोई खाता खोले पवेलियन की राह दिखा दी जाती है। ऐसे में 42 रन पर 3 विकेट बेंगलुरु खो चुकी थी। इसके बाद कैमरन ग्रीन के साथ मिलकर विराट कोहली शानदार अपना साझेदारी आगे बढ़ाते हैं, मगर वह भी कुछ नहीं कर पाते। 12वें ओवर में जब 77 स्कोर होता है, विराट कोहली को मुस्तफिजुर रहमान आते हैं रचिन रविंद्र के हाथों 21 के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं कैच आउट कराकर, जहां 77 पर 4 झटका बेंगलुरु खाती है। इसके बाद कैमरन ग्रीन भी इसी ओवर में मुस्तफिजुर रहमान के हाथों बोल्ड आउट हो जाते हैं और 18 रन बनाकर वह भी चले जाते हैं। ऐसे में आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। फिर अनुज रावत आते हैं और दिनेश कार्तिक दोनों मिलकर 95 रन की शानदार 57 गेंदों में साझेदारी करते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 173 तक 6 विकेट के नुकसान पर ले जाते हैं और 174 का स्कोर चेज करने को चेन्नई सुपर किंग्स को दिया गया था। पहले महामुकाबले में एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल रहा था। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से बतौर ओपनर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और साथ में ओपनर के तौर पर रचिन रविंद्र आए। शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए दोनों ने अपनी तूफानी अंदाज दिखाया और महज 4 ओवर तक 38 रन ठोक दिए, मगर उसके बाद फिर एस दयाल आते हैं कैमरन ग्रीन के हाथों कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को 15 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं। इसके बाद फिर रचिन रविंद्र का साथ देने के लिए अजिंक्य रहाणे आते हैं तो फिर तूफानी बल्लेबाजी दोनों कर रहे थे। 71 पर टीम पहुंच चुकी थी। 7वें ओवर के आखिरी गेंद पर करण शर्मा रजत पाटीदार के हाथों रचिन रविंद्र को भी 37 के स्कोर पर कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। फिर इसके बाद तूफानी बल्लेबाजी का नजारा पेश करने के लिए ट्रेल मिशेल आते हैं और अजिंक्य रहाणे के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर इसके बाद चेन्नई का स्कोर 99 रन होता है। 19 गेंदों में 27 रन बनाकर अजिंक्य रहाणे भी कैमरन ग्रीन का शिकार बन जाते हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने उनका कैच दिया था। 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर वह पवेलियन चले जाते हैं और इसके बाद फिर ड्रिल मिशेल का साथ देने के लिए शिवम दुबे आते हैं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। फिर ड्रिल मिशेल को 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर कैमरन ग्रीन रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट कराकर 22 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं। 110 पर 4 झटका चेन्नई को लगता था मैच पलट जाएगा, मगर इसके बाद रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर शिवम दुबे शानदार पारी को संभालते हैं, साझेदारी निभाते हैं। 28 गेंदों में नावा 34 रन शिवम दुबे 1 छक्का और 4 चौके लगाकर बनाते हैं, जबकि जडेजा 17 गेंदों में 25 रन 1 चौका लगाकर बनाते हैं और शानदार बेहतरीन प्रदर्शन करके 8 गेंद शेष रहते हुए अपनी टीम को जिता देते हैं 4 विकेट खोकर। ऐसे में 6 विकेट से इस महामुकाबले को जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स ने पॉइंट टेबल में तो टॉप किया, ये साथ में बहुत हलचल मचा दिया कि इस साल फिर से जीत की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। 2008 के बाद आरसीबी कभी भी चेपॉक में चेन्नई को नहीं हरा पाई है। ऐसे में मौजूदा पॉइंट टेबल का समीकरण तो बदल चुका है। जहां पर अगर मौजूदा पॉइंट टेबल की बात करें जो कि आईपीएल की है, तो आपको सबसे पहले
पहले बता दें कि इस साल जिस फॉर्मेट में क्रिकेट खेला जा रहा है, प्लेऑफ के बाद टॉप फोर में रहने वाली टीमें प्लेऑफ के राउंड खेलेंगी, जिसमें पहले और दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम में से जो जीतेगी वो सीधी फाइनल में जाएगी, जो हारेगी वह तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीम में से जो जीतेगी उससे भिड़ेगी और फिर उनमें दो जो जीतेंगी वह एलिमिनेटर राउंड में जाकर फाइनल में पहुंचेंगी। तो ऐसे में इसमें जो टीमें टॉप पर रहेंगी उनके लिए बेनिफिट है। तो अभी चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले ही महामुकाबले को जीत लिया है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 6 विकेट से इस महामुकाबले को हार गई है। वहीं पर अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स जीत के साथ टॉप के स्थान पर है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस महामुकाबले में हार के साथ नंबर 10 यानी सबसे आखिरी पायदान पर पहुंच चुकी है। बाकी टीमों के अभी मुकाबले नहीं हुए हैं। अगर हम बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की नेट रन रेट की तो वह -0.77 हो चुकी है, यानी कि पहला महामुकाबले हारने के साथ ही शुरुआत बेहद खराब रही है। जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना पहला महामुकाबला जीतने के साथ साथ उसने उनके एक मुकाबले में जीत हासिल हो चुकी है, ऐसे में उनके पास अब दो महत्वपूर्ण पॉइंट हासिल हो चुके हैं, जबकि इनकी प्लस में नेट रन रेट 0.77 हो चुकी है, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स का आगाज शानदार रहा है। अब अंत देखा जाएगा कैसा होता है पॉइंट टेबल में। इन्होंने शुरुआत ही टॉप के साथ की है, लेकिन अभी भी काफी लंबा सफर तय करना है, यानी दोनों टीमों की शुरुआत है। आगे हम यह नहीं कह सकते हैं कि कौन आगे जीतेगा या हारेगा, मगर चेन्नई की शुरुआत बेहद ही शानदार रही है। जैसे जैसे मुकाबले खेले जाएंगे वैसे वैसे प्लेऑफ की तस्वीरें साफ होती जाएंगी। वहीं फिलहाल में दोस्तों दोनों टीमों ने अपना पहला मुकाबला खेला है, जिसमें एक को जीत और एक को हार मिलना तय थी। मगर आपको क्या लगता है कि चेन्नई और आरसीबी दोनों टीम में से कौन सी टीम क्वालिफाई कर पाएंगी प्लेऑफ के लिए? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।